और फ्रेंड्स आए वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ खास और वो है रिकवरी के ऊपर में। वंडर शेयर का एक ऐसा एप्लीकेशन आया है जिससे डाटा रिकवरी कर सकते हैं आप, और जो फाइल करप्ट हो जाती है उस फाइल को भी आप रिपेयर कर पाएंगे इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो किस तरीके से वो वर्क करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपके पास में सॉफ्टवेयर नहीं है और आप जो है डाटा को रिकवर करना चाहते हैं, पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है ये, फिर आपके जो हार्ड डिस्क से कोई फाइल डिलीट हो चुकी है, तो उसे किस तरीके से रिकवर किया जाता है। फ्रीली वर्जन अवेलेबल है, आपको जो है ऑनलाइन मिल जाता है, जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे और आप जो है अपने डाटा को जो है रिटर्न वापस बुला पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या क्या फीचर है जान लेते हैं, एक वीडियो भी हम देखेंगे उसके साथ में। तो चलिए देख लेते हैं। एक वेब डिज़ाइनर या कोई प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम बना रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रोग्राम, जैसा कि ये जो वीडियो है ये वंडर शेयर की साइट से ही लिया गया है। यहाँ पे हम देखें, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है। तो इस समय जो है आपको इंस्टॉल करना है ये सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है रिकवरी का, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वंडर शेयर कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है और ये जो है रिकवर इट नाम से सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिल जाता है, जो फ्रीली आपको अवेलेबल है। अब जो है इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखें यहाँ ईमेल आईडी डालें या फिर आप जो है डायरेक्टली ही डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद में जो है आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड पर जाकर रिकवरी का ये सॉफ्टवेयर जो है इसकी फाइल साइज़ हम चेक कर लेंगे कितनी बड़ी साइज़ है। 1.32 MB का ये सॉफ्टवेयर है, इसे हमें इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। यस कर देते हैं। यस करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे बता रहा है कि इंस्टॉलेशन प्लीज़ वेट। रिकवर फुल्ली रिकवर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में डेटा आपका जो है, जो भी आपने डिलीट किया था या फिर आपका फॉर्मेट हुआ था पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क के अंदर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन फॉर्मेट हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है आपको जो है ये रिटर्न ला कर देगा, यानी वापस आपको जो है रिकवर हो जाएगा। जिसके अंदर में पीछे साइड में वीडियो चल रहा है, देखिए इस तरीके से कि क्या क्या काम कर सकता है ये। देखिए यहाँ पे डाटा रिकवरी होता है, फ़ोटोज़ हम ले सकते हैं। रिकवर करने की प्रोसीजर क्या है, जब हम जो है लॉगिन करेंगे यानी ये URL पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखा देंगे। प्रो वर्जन और जो अल्टीमेट वर्जन आपको परचेस करना होता है, लेकिन जो है ये स्टार्टिंग के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का ये सॉफ्टवेयर है रिकवर इट। अब तक जो भी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए या तो पेड वर्जन थे या फिर ट्रायल वर्जन के अंदर में जो है फैसिलिटीज़ कम थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये रिकवर इट का जो सॉफ्टवेयर मिलता है फ्रीली, यानी आपको जो है फ्री में आपको मिल जाता है और हम डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके इसके अंदर में फीचर्स भी इतने बढ़िया दिए गए कि डिलीटेड फाइल को भी हम रिकवर कर सकते हैं, फॉर्मेटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात के इसके अंदर में ये है कि इसके अंदर में जो डाटा आपका करप्ट हो जाता है, जैसे एक्सेल की फाइल है और रिकवर करने का जब हम ओपन करते हैं तो वो फाइल आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाती। तो एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से, तो वो फाइल भी यहाँ पे रिकवर होती है, प्रॉपरली चलती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे है। जैसा कि हमने पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर में हमें ये फाइल है, ये फाइल हम जो है डाउनलोड करके यानी रिकवर किए थे एक दूसरे सॉफ्टवेयर से, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो फाइल हमने रिकवर की थी उसे हम अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाता है प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये फाइल है, हमने इसे ओपन करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद में जब हम इसे ओपन करते हैं तो फाइल या तो प्रॉपरली नहीं आती या फिर इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देता है। तो ये फाइल भी जो है रिकवर हो जाएंगी इसके अंदर में, वो किस तरीके से होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक यूनिक सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं जिसके अंदर में जो है फाइल रिकवर भी हो रही है, करप्टेड फाइल को जो है ये सही भी कर दे रहा है, और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर में दिए गए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब हम इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर टेम्प्ररी फाइल होती है, और ये जब डाउनलोडिंग कंप्लीट होता है तो इंस्टॉलेशन जब चलता है तो काफ़ी समय ले सकते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा भी एक घंटा भी ले सकता है, क्योंकि अगर आपकी नेट की स्पीड कम है तो वो जो है आपके नेट की स्पीड के हिसाब से
इंस्टॉलेशन होगा, क्योंकि ये जो पैच इसके अंदर में दिया गया है यानी जो रिकवरी का सॉफ्टवेयर का जो एक सेटअप दिया गया है ये सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए है, लेकिन इसे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑनलाइन सारी फाइल्स जो है वो आ जाती है आपके कंप्यूटर में, उसके बाद में ही आप जो है डेटा को रिकवर कर पाते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें कि आपका जो कंप्यूटर की स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है, उसके हिसाब से वो इंस्टॉल हो सके। जैसा कि एबल टू रिकवर 550 डिफरेंट फाइल टाइप फॉर द ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस एल्गोरिदम के हिसाब से जो है ये फाइल को रिकवर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फोल्डर बनाया था, फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स रखी थी तो उसी हिसाब से आपको जो है फाइल को रिकवर कर कर देगा। कोई हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड हमने लिख रखा था और उस वक्त में लाइन चली जाती है, पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो वो कोड जो है डिबग नहीं हो पाता, प्रॉपरली नहीं चल पाता, तो उसे भी ये रिकवर कर लेता है। उसी के अलावा कोई जो है हम कोरल ड्रॉ के अंदर में फाइल में वर्क कर रहे थे और जब लाइन पावर सप्लाई जाता है तो वो फाइल डिस्टर्ब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो करप्ट फाइल को भी ये रिकवर कर लेता है, करप्ट फाइल को जो करप्टेड फाइल है उसे भी जो है ये सही बना देता है। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे फीचर इसके अंदर में दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद में किस तरीके से आपको रिकवर करना है। तो ऐसे जो है सॉफ्टवेयर फाइल जो है आपकी इंस्टॉल हो रही है जिसके अंदर में काफ़ी समय लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है अगर आपका इंटरनेट स्पीड अगर कम है तो, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी बड़ा है और आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी के हिसाब से, इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से इंस्टॉल होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारा वर्क ले रहे हैं, करप्टेड फाइल को जो है अच्छी कर रहे हैं, दूसरा जो है जो डिलीटेड फाइल है उसे हम रिकवर कर रहे हैं, जो फॉर्मेटेड ड्राइव है उसे हम रिकवर कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटी इस सॉफ्टवेयर के अंदर में दी गई है, इसलिए जो सेटअप चलाने के बाद इंटरनेट का ऑन होना ज़रूरी है और इंटरनेट से जो है इसकी जो सपोर्टिंग फाइल है वो सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से आपको इंस्टॉल करने मिल जाती है, तो आपको वहाँ पर 1 घंटा या आधा घंटा लग सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा करना आपके लिए जरूरी है। तो ये था इसका एक डेमोंस्ट्रेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको इतने डिटेल बताने का मकसद ये है कि आप अच्छी तरीके से उसे समझ पाए। अब इंस्टॉल हो चुका है जो है, डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड करने के बाद हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है रिकवर इट नाम का जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर के अंदर में आ चुका है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका URL भी स्टार्ट होगा और इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर का रनिंग पैकेज है यानी जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है जिसे हम डायलॉग बॉक्स बोल सकते इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको जो है अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे अपने पेन ड्राइव अभी इंसर्ट नहीं किया आपके अपने कंप्यूटर में और तो यहाँ पे सिर्फ हार्ड डिस्क के जो है पार्टीशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अब जो है मैं यहाँ पे जैसा कि डिलीटेड फाइल है, एम्प्टी फाइल है, फॉर्मेटेड फाइल है, हर टाइप की फाइल को जो है वो रिकवर करेगा ये सॉफ्टवेयर। ये कोई सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली आपको मिल जाता है, इसका कोई मैं ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है ताकि वो इस सॉफ्टवेयर को समझ पाए, अपना अपना डाटा जो भी है MB के अंदर में अगर छोटा सा डाटा लॉस होता है तो वो रिकवर कर पाए। अब जैसा कि हम यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेते हैं अपने अपने कंप्यूटर में, तो देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव आ चुका है, ये आपका पेन ड्राइव हमने लगा दिया। पेन ड्राइव लगाने के बाद में ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो है हमें स्टार्ट करना है रिकवरी, तो रिकवरी स्टार्ट करने के लिए आपको जो है पहले इसे जो है एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ पे देखिए फाइल्स वगैरह आपको दिख रही है। अब जो है यहाँ पे ये जो है आपका पेन ड्राइव में जो अवेलेबल डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो है यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में जो है रिकवर नाम से जो है आपको स्टार्ट करना है। एनालाइज का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है, जैसे यहाँ रिकवर आपको दिख रहा है उसी तरीके से एनालाइज बटन का आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट में, आपको उस बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो पूरी तरीके से जैसा कि यहाँ पे ऊपर में चल रहा है, एनालाइज हो रहा है, ये पूरी फाइल्स को जो है रिकवर कर रहा है, जैसा ऊपर में हम देख रहे हैं कि फाइल आपकी रिकवर हो रही है। थोड़ा सा वेट करते हुए आपको वहाँ पे देखना है ये फाइल्स कंप्लीट होना हो रही है, जैसा कि यहाँ पे 95-97% हो चुका है, 98-90%, 99% और 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये फाइल आपकी पूरी तरीके से लोड हो चुकी है, यहाँ पे कुछ देर आपको वेट करना है। अब एक चीज़ को याद रखें कि जब आपका पूरी फाइल सबके कंप्यूटर में आ चुकी है यानी रिकवर इट सॉफ्टवेयर के अंदर में आ चुकी है, तो वो क्या करता है उसे पूरी तरीके से एडजस्ट करना शुरू करता है, जहाँ का फोल्डर वहीं उसे लगा देगा। ओके हमें बटन पर क्लिक कर देना है और जो फाइल आपको चाहिए उस बटन पर क्लिक कर
जो है आपको जो है रिकवर नाम रिकवर का जो बटन है उस पर क्लिक करना होता है। रिकवर के बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको पाथ देना होता है कि किस तरीके से आपको कहाँ पे उसे सेव करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे आगे कि ये सारी फाइल्स आपकी आ चुकी है। अब ये फाइल्स को आपको सेव करना है तो पहले आपको फाइल पे क्लिक करना होता है। टाइप वहाँ पे आपको दिया गया है, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको किस टाइप की अलग अलग टाइप की फाइल आपको जो है रिकवर करना है, या फिर फाइल आपकी जो है करप्ट हो चुकी है तो उसे किस तरीके से आपको जो है करप्टेड फाइल को जो है आपको सही करना है, वो सारी चीज़ें। अब डेस्कटॉप के ऊपर में एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर क्रिएट करने के बाद में फाइल जो हमको चाहिए उस पर हमें क्लिक कर देते हैं। जैसा यहाँ पे फोल्डर आपका एम्प्टी है, अब रिकवर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम रिकवर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम फाइल जहाँ पे रखी है हमने डेस्कटॉप के ऊपर में रखी है तो वो पाथ हमें दे देना है। और जनरली एक चीज़ का याद रखिए कि जब कभी भी हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो पेन ड्राइव की अगर फाइल है या जिस ड्राइव की फाइल है उस ड्राइव में जाकर उसे सेव ना करें, दूसरे ड्राइव में सेव करें या फिर कंप्यूटर के नेक्स्ट हार्ड डिस्क के अंदर में उसे सेव करें, ताकि आपका जो डाटा है वो रिकवर अलग रह सके और जो पुराना डेटा है वो अलग रह सके। अब यहाँ पे हमने ये फाइल को ले लेना है, क्लिक कर देते हैं, फोल्डर हमने सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप के ऊपर में हम चले गए, डेस्कटॉप के ऊपर में हमारे फोल्डर अवेलेबल है उस पर हमने क्लिक कर देना है। सहारा नाम से हमने बनाया, अब जो है रिकवर नाम से क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है, सारी फाइल्स जो है रिकवर सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर में लोड होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। सेव कम्प्लीटेड, अब यहाँ पे फाइल आपकी सेव हो चुकी है, सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब जो है इस फोल्डर को हमें ओपन करना है ताकि आप इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स आपकी लोड हुई है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन या वो सारे सॉफ्टवेयर या वो सारी एप्लीकेशन फाइल्स सब देख सकें। अब यहाँ पे हम इसे ओपन कर कर वो फाइल को हम चेक करेंगे और उसके अंदर में जो फाइल करप्ट है या फिर अनरिपेयर्ड है उसे हम रिपेयर भी कर पाएंगे। इस तरीके से रिकवर आप कर सकते हैं रिकवरी नाम के इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, मैंने इसे चलाया है, वीडियो इसलिए लंबा बना रहा हूँ ताकि आप इस सॉफ्टवेयर की बारीकियों को जान सके, अच्छी तरीके से समझ पाए कि आपको जो है ये सॉफ्टवेयर चलाना है तो किस तरीके से, फाइल अगर करप्ट है तो करप्टेड फाइल को किस तरीके से आपको ओपन करना है, और भी बहुत कुछ जानने के लिए। अब जो है ये फाइल को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से फाइल ओपन हो रही है। देखिए ये फाइल इस तरीके से मैसेज दिखा रहा है। तो अब इस जगह पे आपको करना ये होता है कि सॉफ्टवेयर में फिर से जाए और उस पर क्लिक करने के बाद में जो है ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है उस बटन पे क्लिक करें, एनालाइज का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है, यानी करप्टेड फाइल को ओपन करने का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है और उसे हमें यस बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है सॉफ्टवेयर को रिकवर भी कर पाते हैं और सॉफ्टवेयर करप्टेड फाइल को रिकवर भी कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।